इंग्लैंड वुमेन्स की शानदार जीत के बाद वुमेन वर्ल्ड कप अब काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर आ गया है, क्योंकि दोस्तों भारतीय वुमेन टॉप फोर से बाहर हो गई। ऐसे में भारतीय टीम के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर जाने के आसार दिखाई देने लगे हैं। हालांकि भारतीय टीम को अगर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो अब सिर्फ भारतीय टीम के लिए दो ही दरवाजे खुले हैं, और इन तरीकों से ही भारतीय टीम वुमेन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। आपको बता दें, अगर बात करें वुमेन वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल की, दोस्तों पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, इसके पास 12 पॉइंट है। दूसरे स्थान पर साउथ अफ्रीका की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम भी वर्ल्ड कप में प्रवेश कर चुकी है, इसके पास 9 पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इंडिया के बीच एक रोमांचक टक्कर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है, उसके पास पॉइंट टेबल में 7 अंक है, जबकि वही इंग्लैंड और भारत का एक एक मुकाबला बाकी है। इंग्लैंड टीम का मुकाबला बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इंग्लैंड की टीम यह मुकाबला जीत लेगी, जबकि भारतीय टीम का अगला मुकाबला साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के साथ है। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। अगर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो भारतीय टीम को हाल में अपने मुकाबले में जीत दर्ज करना होगा। अगर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं होती तो इंग्लैंड की टीम को अपना अगला मुकाबला, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा, इसमें हारना होगा। अगर इंग्लैंड की टीम हारती है तो उसके रन रेट में फर्क आएगा, जिसके चलते भारतीय टीम टॉप फोर में पहुंच जाएगी, इंग्लैंड की टीम टॉप फाइव में आ जाएगी। इसी तरीके से ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, वे कौन सी चार टीमें होंगी जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेंगी, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।